सो हे गाइस, तो ये वीडियो नॉनवेज के ऊपर है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ नॉनवेज कुक करने जा रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप वेजिटेरियन हो या फिर आपको प्रॉब्लम है नॉनवेज से, तो प्लीज़ यू कैन स्किप दिस वीडियो, यहीं पे रोक दीजिए, आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि शायद आपको पसंद ना आए। तो इसीलिए जो भी नॉनवेज खाते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आगे देख सकते हो। गाइस गुड मॉर्निंग, आज है सैटरडे और सैटरडे संडे का दिन ऐसा होता है कि जब बिना नॉनवेज खाए तब रह नहीं सकते हैं। तो इसलिए अभी ना कोई होली है, ना दिवाली है, ना पूजा है, ना कुछ चल रहा है, तो प्रॉपर टाइम टू ईट मटन, और चिकन भी खा सकते हैं लेकिन मटन ज्यादा, क्योंकि बैंगलोर में हो रहा है मस्त ठंडक। कि अभी मैंने सुना यूपी में भी ठंडक चालू हो गई है, लेकिन बैंगलोर में उससे ज्यादा अभी भी हो रही है। तो मस्त ठंड है, सुबह सुबह उठा मुझे मजा आया, बैठा था बालकनी में साथ में, मैंने कहा यार ठंड, एक सिरहन सी उठ रही है बदन में क्योंकि ठंड ज्यादा थी, तो हमने कहा चलो आज मटन खाते हैं। तो आज जा रहे हैं ये अवाला हल्ली के पास, मटन का बिल्कुल जमावड़ा लगता है, बहुत मटन कटता है सैटरडे को, और बढ़िया खसी मिलता है, और आपको बाकी भी जैसे चाहिए होगा, शीप गोट सब मिलता है। तो मैं प्रेफर करता हूँ गोट, हम लोग यूपी वाले तो सारा गोट ही खाते ज्यादातर, और वो भी जो है खसी खाते हैं। हम लोग पट्टा खाएंगे, खसी खाएंगे, लेकिन अंडू नहीं खाते, अंडू इज नॉट अ गुड वन, वो यूज उसका यूज दूसरा होता है, बट एनीवेज खसी इज अ बेस्ट। तो वही लेने जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 किलो लेंगे मटन, क्योंकि 1 किलो में तो अपना बनता नहीं है, 1 किलो तो हम खुद ही खा लेंगे अकेले। तो थोड़ा कलेजी मटन सारा अगला 10 लेते हैं, पिछला नहीं लेते हैं, तो अगला 10 रहेगा, सीना रहेगा, चाप रहेगा, और उसके बाद आपका गर्दन रहेगा, और कलेजी अलग ले लेंगे अलग बनाने के लिए। तो आज का ये वीडियो होने वाला है लखनवी मटन बिरयानी। अब वो बिरयानी चाहे आपकी किसी टाइप की भी हो सकती है, तो आप लोगों ने लखनऊ में सुना होगा इदरिस की बिरयानी फेमस है, और लल्ला की बिरयानी फेमस है, और टुंडे कबाब की बिरयानी फेमस है। तो उसके कई सारे प्रिपरेशन देखे होंगे, अगर आपने हमारा लखनऊ का ब्लॉग नहीं देखा है फूड वाला, हम लोग कई जगह गए थे, तो ऊपर आई बटन में क्लिक कीजिए। सो समथिंग सिमिलर हम बनाएंगे आज, तो लेट्स सी आज की बढ़िया दम बिरयानी मटन वाली, गोट मटन कैसी बनती है। तो चलिए, सो मटन आ गया हमारा, ये देखिए 3.5 किलो मटन बढ़िया खसी का मुझे मिला, तो वहां पर मेरे सामने उसने काटा है, तो अभी ले आए हैं, अभी धोना भी मेरे को ही है, क्योंकि घर वाला तो कोई छुएगा नहीं, और आप जानते हो 3.5 किलो मटन जो धोना पड़ता है ना, तो बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा, तो उसमें अच्छे से 2-3 बार धोना पड़ेगा सारा है, तो इस वजह से मैं ही करने वाला हूँ, घर वाले तो करेंगे नहीं, और पल्लवी का आप जानते ही हैं कि हालत क्या है, तो इस समय वो धोएगी नहीं। सो यहाँ देखिये लहसुन अदरक सब छीला जा रहा है मस्त, ये डेगची भी तैयार हो गई है, सारा अंदर सामान वान रखा था तो बाहर निकाल दिया गया है, और ये प्याज क्यों लिए, प्याज नहीं चाहिए ना, प्याज सुनना पड़ता है। हाँ, प्याज नहीं, जो लखनऊ का जो बढ़िया यखनी वाला मटन का जो प्रिपरेशन है बिरयानी के लिए, उसमें प्याज नहीं पड़ता, कुछ लोग एक प्याज छोटा सा डाल देते हैं लहसुन अदरक के साथ थोड़ा सा ग्रेवी बढ़ाने के लिए, बट पड़ता नहीं है, तो हम नहीं डालेंगे, इनकी कोई जरूरत नहीं, हटा दो। चलो एक काम कम हुआ, एक काम कम हुआ। याद रहे इदरिस बिरयानी जैसे बनना चाहिए। नहीं, वो हमने बनाया है एक बार पहले, बना देंगे, अब वैसी बनती नहीं बनती तुम बताना। देखो हम ज्यादा खाएंगे नहीं, बस राइस ऊपर का थोड़ा खाएंगे, तो सीधे लेकिन बढ़िया बनना चाहिए। एक सब्सक्राइबर ने बोला ना कि लोग पहले नाम बताते हैं फिर खाना बनाते हैं, और लेजेंड्स क्या करते, पहले बना लेते फिर नाम बताते हैं। तो अब ये लल्ला की बनेगी या टुंडे की बनेगी, इदरिस की बनेगी या मनीष की बनेगी, अगर डिफरेंट डे से आए तो कहना मनीष की बिरयानी, ठीक है। तो ये पूरा भर देना लहसुन से, और अदरक मेरे हिसाब से 3.5 किलो है, तो थोड़ा सा और लगेगा, जब इसमें डालोगी तो पता चल जाएगा। ठीक, हरी मिर्ची नहीं चाहिए, हरी मिर्ची नहीं पड़ती है, लाल मिर्च पड़ती है, तीखी लाल। लुक्स लाइक सिंपल है, इजी रहेगा बनाने के लिए। करेक्ट, ये थी प्रिपरेशन। चलिए हमारा अपना धुलाई शुरू, यहाँ पर धुल गया मटन। अरे बाप रे,
और ये रख लेते हैं इसमें गंदगी रखने के लिए साइड में। अभी मटन में कम से कम 2-3 बार धुलेगा, तो इसमें धोना ही सबसे बड़ी बात है मटन में। एक एक मटन को धो के, एक एक चीज़ क्लीन करके, गंदगी निकाल के तब क्लीन किया जाता है मटन। कहते ज़्यादा भी नहीं धोना चाहिए वरना उसकी एक टेस्ट चला जाता है, लेकिन गंदगी तो निकालनी पड़ेगी ना। सो ये बढ़िया धुल गया है। इसी तरह से एक एक करके धो के फिर दो बार, एक बार और करेंगे। फाइनली सारा प्रिपरेशन कर लिया है। अगर आप देखो यहाँ पर, ये हमारा खूब सारा लहसुन और अदरक लिया हुआ है। इसमें मसाले बहुत कम पड़ते हैं, तो आपने आप बोलो कि इतने कम मसाले, तो इतने ही कम पड़ते हैं। इसमें हमने हरी इलायची ले ली है, लौंग ले लिया है, तेजपत्ता ले लिया है, बहुत थोड़ा सा जायफल लिया है, एक दालचीनी ले ली है और जावित्री। दालचीनी और भी लेंगे हम थोड़ा सा। यहाँ पर रखा हुआ है केसर, ये कश्मीर से मंगाया था। ये है केवड़ा वाटर, ये कलर, ये है दूध थोड़ा मलाई वाला, ये दही को थोड़ा फेंट लिया है। ये हमारा राइस, जो कम से कम ये 3.5 किलो मटन है, तो इसमें हम 1.5 किलो राइस को भिगोया है। 2 किलो भी भिगो सकते हैं, लेकिन मुझे मटन ज़्यादा खाना है, इसलिए हम 1.5 किलो ही करेंगे। और यहाँ पर ये है धारा का कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप कुछ और भी ले सकते हैं आपको चाहिए। तो ये मेरा इंग्रेडिएंट्स हैं। अब चलिए इनको, इसमें हम 2 तरह के मसाले बनाएंगे। एक है जो हम बिरयानी मसाला बनाते हैं, तो बिरयानी मसाला पीस के उसको थोड़ा सा छान लेंगे, बिल्कुल फाइन पाउडर होता है। और दूसरा हम खड़ा डालेंगे, जो जितने भी मटन में एंजाइम्स होते हैं वो सब मारने के लिए, जितना भी बैक्टीरिया और वो सब है, तो उसको हम क्या करेंगे, सीधा तेल में डाल के उसी में डायरेक्ट मटन भुनेंगे। तो जो ये लखनवी बिरयानी है, ये मुगलों के ज़माने चली आ रही है, मुझे तो इतना हिस्ट्री नहीं मालूम, बट ये मैंने सुना हुआ है कि ये लोग जब लड़ाई पर लड़ने जाते थे या फाइट के लिए जाते थे, तो उनको तुरंत खाना बनाना होता था, तो इसलिए वो राइस और सूखा मटन रखते थे और एक पाउडर रखते थे, कहीं भी मिले आग जलाई और आपने राइस डाला, मटन डाला, वो मसाले डाले और उसके बाद बढ़िया सा बना लिया। धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे इसको और फाइन करते गए और बिल्कुल पाउडर की कहीं से इसमें मसाला दिखे ना। और आप देखो इसमें ना कोई फेनल सीड्स है, मतलब जिसको सौंफ कहते हैं, या फिर इसमें काली जो इलायची है या और भी काली मिर्च है, वो सब नहीं है, बहुत कम में बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो मैंने गैस जला के इसको अच्छे से गर्म कर लिया था, उसके बाद गैस बंद कर दिया और बंद गैस में मैंने बस ये मसाले डाल दिए हैं। आप देखो यही चारों मसाले हैं, और इसको छोड़ दिया है जब तक थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और ये धीरे 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 सिक जाएगा, ताकि पिसने में अच्छे से पिस जाएगा, दरदरा नहीं रहेगा। तो इसको पीस लेते हैं फटाफट इसमें डाल के। सो ये मसाले को हम इसमें डाल के अच्छे से छान लेंगे। Just wanna stay with you, and we'll do anything that we want today. Won't be scared of falling down. So ये हो गया है लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार, और इसमें थोड़ा सा बचा है, इसको एज इट इज छोड़ देंगे, क्योंकि रायता ही बनेगा, तो उसमें ये लहसुन का काम आएगा दही में। सो इसको कहते हैं बुरानी रायता, वैसे ये नाम जो है इसी से बिरयानी बनी है, बुरानी से, बट ये बहुत पुराना नाम है, तो आपको ये रायता दिखाते हैं। सो इसमें मस्त 1/2 लीटर से ज़्यादा पड़ेगा, तो ये पूरा कच्ची धानी का ले रहा हूँ ऑयल। सो हाफ लीटर गया, ये देखिए ऑयल तैर रहा है, क्योंकि ये ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी अच्छे से भूनने में, और प्लस जो यखनी बनेगी, अखनी, तो वो अखनी में इसका यूज़ होगा, और प्लस इसी का ऑयल को हम लोग जब लेयर लगाएंगे तो उसमें भी यूज़ होगा, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल है। सो मेरा फेवरेट पलटा या कलछुल। पिक्सी, क्या बैठी हो इधर, तुमको स्मेल आ रहा है क्या? सो इसको डाले हुए 10 मिनट हो गया है, थोड़ा सा आप देखिए वाइट हो गया है, मटन रेड होता है तो अभी थोड़ा सा वाइट हो गया है सारा। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे जितना भी लहसुन अदरक हमने पीसा था, वो सारा इसमें अभी डाल देंगे अच्छे से,
आप भी सोच रहे होंगे क्या दैत्यकार टाइप बना रहे, इतना इतना लहसुन अदरक और मटन, लेकिन ये सब चीज़ें हमेशा थोड़ी ना बनती हैं। आप जब भी बनाइए तो अच्छे से बनाइए और छक के खाइए। ये हो गया अदरक लहसुन और अब अच्छे से इसको चल मिला देते हैं। ये हुई ना बात, ये जो अदरक लहसुन आप डालिए इसमें और उसके बाद खड़े मसाले में या चाहे चिकन हो चाहे मटन हो, उसका सुगंध ऐसा मस्त आता है कि इंसान तो इंसान जानवर भी आके बगल में बैठ जाता है। ये देखिए बैठी हुई है मैडम पीछे, बहुत ही मस्त खुशबू आती है, बहुत ही अच्छा। तो अभी थोड़ा सा और भुनेंगे इसको, इसमें लहसुन अदरक डाल के, और तब तक यहाँ पर पानी भी चढ़ा दिया है। ये बड़ा डिक्ची है, भगोना है हमारे पास, ये 10 लीटर का होगा शायद, मेरे हिसाब से ज़्यादा ही होगा। तो देखिए इतना हमने खाली छोड़ दिया है कि जब चावल डालेंगे तो ऊपर आएगा। अभी इसको उबाल मार के और इसमें भी हम डालेंगे लौंग, इलायची, दालचीनी और तेजपत्ता, और नमक थोड़ा इसमें ज़्यादा पड़ता है क्योंकि नमक चावल सोखेगा, उसके बाकी पानी हम फेंक देंगे। तो दिखाते हैं आपको। सो देखिए मस्त बढ़िया सा ये इसमें अदरक लहसुन डालने के बाद कितना बढ़िया हो गया, हल्का हल्का देखिए जो मांस है वो भी चढ़ने लगा है। अब इस पॉइंट पे हम इस पर नमक डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे और सीटी लगा देंगे। सीटी लगा के हमको पूरा नहीं पकाना है, इसको 80% पकाना है ताकि बस इसका जो मांस है वो पक जाए, और पकने के बाद मतलब ये ना हो कि हड्डी छोड़ दे, हड्डी नहीं छोड़ना है। और देखिए हमने पीस भी बहुत बढ़िया लिए, ये वाले जिसमें थोड़ा सा फैट है, थोड़ा चस के लिए ये लिया। चस एक चिपचिपा पदार्थ होता है, दिस इज नथिंग एल्स बट फैट है। तो फैट में जो एक आप जो खाते हैं तो एक चिस आता है ना हाथों में, एक चिपचिपाता है, वो चस होता है। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। देख रहे हैं मटन से कितना पानी निकल रहा है, जबकि तेल में बनाया था। मटन खुद ही पानी बहुत सारा छोड़ता है। नमक और ये मिर्चा डाल दिया है, अभी बस इसको सीटी लेंगे, 2 सीटी लेंगे ताकि ये 80% पक जाए, उसके बाद भुनेंगे। कम मैडम क्या चाहिए, चिकन या मटन? यू वांट मटन? डिक्सी वांट्स मटन। ये 2 कटोरी में मैंने गर्म पानी ले लिया है, तब जो हम लोग कश्मीर से केसर लाए थे वो डाल देंगे और थोड़ा सा कलर डाल देंगे। जब तक हमारे कुकर में सीटी आ रही है तो ये अपना तब तक रंग वंग छोड़ेगा। वाह क्या कलर आया है, इसमें कुछ मसाला नहीं है, देखिए मस्त पतक रहा है। तो अभी हम ये 90% ऑलमोस्ट हो गया है। अब इस स्टेज पे अभी थोड़ा सा हल्का सा कचकच हो रहा है, तो वो स्टेज जो है सही हो जाएगी जब हम इसे दही में ये जो बिरयानी मसाला है ये मिलाएंगे। तो इसको मिला के डाल देते हैं क्योंकि दही से मटन फटाक से गलने लगता है। मैंने पानी 1 घंटे पहले चढ़ा दिया क्योंकि पानी बहुत देर में खोलता है, बहुत सारा पानी है। तो अब इसको हो गया है, देखिए उबाल डालने के बाद ही हम चावल डालेंगे। तो पहले इसमें हम ये सारी चीज़ें डाल देते हैं, लौंग, इलायची, ये दालचीनी और तेजपत्ता, इसको थोड़ा सा खोला लेंगे। ये देखिए भुनने के बाद थोड़ा सा रख दिया था ऐसे ही ढक के, तो अभी देखिए इसमें खूब रंग भी आ गया है, तेल भी बढ़िया दिख रहा है। सो ये मस्त देखिए तेल आ गया है, तो अब इसको हम अभी अलग कर लेंगे। सो ये पीसेस को हम अलग कर लेते हैं, ये पीस बढ़िया बढ़िया जो भी अच्छे हैं वो हम निकाल लेंगे और उसके बाद यही बिरयानी की तह लगेगी। सो इसमें डाल दिया है थोड़ा सा चस, और अब इसमें डाल देंगे दूध, थोड़ा गर्म कर लेंगे। तो
तो ये हमारा दूध और ये उबल गया है और इसमें हम डालेंगे जो उसमें से हमने ऑयल निकाला था। इसी में डालेंगे थोड़ा सा केवड़ा वाटर, बहुत थोड़ा सा खुशबू के लिए। उधर मेरा तवा भी गर्म हो रहा है दम लगाने के लिए। और इसमें जो हमने केसर जो भिगो रखी थी उस केसर का पानी भी डाल देंगे। सो कुकर में जो मेरा थोड़ा सा मसाला बच गया था उसमें मैंने वो दूध का और ये सारा मिश्रण मिला के और देखिए छान लिया, इतनी इसमें से वेस्टेज निकल गया। इसको हम हटा देंगे, अलग रख देंगे और बस ये हमारी अखनी तैयार हो गई। ये देखिए पानी में मस्त उबाल आ रहा है अच्छा खासा और इसका पानी में फेंक के 2 घंटे भीगा है चावल। अब इसमें सारा हम चावल डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है, द रीजन इज जब पानी फेंकेंगे तो नमक भी चला जाएगा और जितना नमक चावल को लेना है उतना ले लेगा। तो हम इसमें हमने 5 चम्मच नमक डाला है इसमें और पानी उबलने के साथ वो निकल जाएगा। एक बात याद रखिएगा, पानी बिल्कुल गर्मा गर्म होना चाहिए उबलता हुआ, और चावल में से बिल्कुल सारा जो भिगोया हुआ पानी था वो निकाल दिया हो आपने, वरना वो ठंडा हो जाएगा तो चावल आपका खराब हो जाएगा। तो अभी बिल्कुल गर्म गर्मा गर्म पानी में चावल उबल रहा है, बहुत तेजी से पक रहा है। देखिए अभी अभी हल्की सी किनकी है अंदर, ये किनकी बिल्कुल जरा सी होनी चाहिए ताकि जब हम इसको दम लगाएं तो उसमें वो किनकी पक जाए, उस लेवल तक पकाना है इसको। सो ये थोड़ा सा पक गया है, तब ये बिल्कुल बढ़िया मस्त हो गया है। उसको बंद करते हैं और इसको पानी को फेंक देते हैं। बिल्कुल गर्मा गर्म चावल है, इसको फटाफट लगाना है, ठंडा नहीं होने देना है। और अभी देखिए इस पे उसको वापस मैंने चढ़ा दिया। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अपना ये तेल ताकि चिकना बना रहे और चावल जले ना, और उसके बाद हम अपनी तह लगाना शुरू करेंगे। तो आपको दिखाते हैं। सो पहले एक लेयर राइस डाल देते हैं। सो इसमें पहले एक परत मैंने पतली सी राइस लगा दी है ताकि मटन जले ना, और नीचे घी भी है और इसमें अब डालते हैं मटन। इसमें डालेंगे थोड़ी सी जो यखनी हमने बनाई हुई है, दूसरी लेयर राइस की, थोड़ा सा और मटन डालेंगे, और ये थोड़ी सी अखनी, और ये गया हमारा एक और लेयर राइस का। ये आखिरी लेयर और यखनी भी हमने डाल दिया है, ये पूरा एक लेयर बन गया इधर। इसमें जो है हमारा ये जो फूड कलर है वो डालेंगे। और इधर मैंने नीचे आग भी जला रखी है बिल्कुल स्लो पे ताकि घर ठंडा ना होने पाए हमारा राइस और मटन। और इधर मैंने तवा भी चढ़ा रखा है तो उस पर चढ़ा लेंगे तो आपको दिखाते हैं। तो इस पे डालते हैं थोड़ा घी, घी एक फ्लेवर के लिए रहेगा। और अब इसको लगाते हैं दम। तो ये देखिए तवा बिल्कुल गर्मा गर्म है, बहुत देर से तप रहा है, तब इसी
तवे के ऊपर हम इसको रखेंगे। तो आप बैलेंस आउट करना पड़ेगा, और जो गर्म पानी है उसको ऊपर रख देंगे ताकि ऊपर से भी गर्माहट मिले और नीचे से भी। तो ये है बिल्कुल गर्मा गर्म पानी हमने छाना था, उसको इसके ऊपर रख दिया है। कुकर बंद कर देते हैं ताकि अगर गिर जाए तो पानी फैले ना। सो तो ये हो गया हमारा दम। नीचे मैंने आग लगा दिया है, वो गर्मा गर्म तवा था। 2 मिनट के लिए मैं बिल्कुल फुल आंच पे रखूंगा और उसके बाद स्लो पे छोड़ दूंगा आधे घंटे। बढ़िया दम लगेगा, ऊपर से ये बिल्कुल लॉक हो गया है। इतना भारी सामान रखा है, गर्म पानी तो उसको गर्माहट भी मिल रही है और साइड से बंद भी है, तो इसमें अब दम लगेगा। उसके बाद आपको दिखाते हैं बिरयानी, बढ़िया गर्मा गर्म बिरयानी। पिक्सी की तो देखिए यहाँ पर सूंघी सूंघ रही है, कह रही कब जल्दी लाओ, बहुत हो गया। हमने कहा जब तक दम लग रहा है हम लोग भी अपना दम मार लेते हैं। तो आज नया बॉटल खोले गया, ये बढ़िया नई बॉटल है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, थोड़ा सा ग्लेनमोरांजी का। इट गोज वेरी स्मूथ इनसाइड। आज थोड़ा एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, बिरयानी, मटन बिरयानी विद ग्लेनमोरांजी। अपना ऑन द रॉक्स जाएगा। सॉरी वेब्स, चीयर्स। Cheers for mutton biryani, Lucknowi style. So ये बन गया हमारा पुरानी का रायता। अगर आप लखनऊ जाओ तो आपको टुंडे के यहाँ जरूर मिलेगा, और भी बहुत जगह मिलेगा जहाँ जहाँ बिरयानी बनती है। तो इसमें हमने दही मिलाया है, कश्मीरी लाल मिर्च मिलाया है, पीछे आपने देखा होगा कि हमने थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट छोड़ दिया था, लहसुन का पेस्ट है इसमें, और काला नमक। तो ये मस्त क्वान्टिटी में आप नमक अपना हिसाब से ले सकते हैं, और थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा डाला हुआ है, भुना हुआ पिसा ज़ीरा बस। और ये मस्त हिला दिया, आपका ये बिरयानी के साथ मस्त हो जाएगा। तो अभी भी देखिए बिरयानी चढ़ी हुई है 3 लेवल पे। नीचे मैंने आग बिल्कुल स्लो पे रखी थी आधे घंटे के लिए, और अभी बंद कर दिया है। सो और हमने अपने गेस्ट भी बुला लिए, ये देखिए सब लोग आए हुए हैं यहाँ पर। सो बन गया है, खाते हैं। ये पानी हटा देते हैं जो गर्म वाला था, और इसको रखते हैं टेबल पे। अब जैसा भी बना होगा हंसिएगा मत, बना अच्छा होगा, नहीं अच्छा बना तो देखा जाएगा। सो चलिए खोलते हैं भानुमति का पिटारा, देखिए कितना निकला है, क्या निकला है। हाँ, खुशबू तो थोड़ी सी अच्छी आ रही है। ये प्लेट से ही लोग यूज करते हैं वहां पर लखनऊ में, तो मैं भी वही यूज करने वाला हूँ। हाँ हाँ, ये देखिए। सो इधर का तो चावल में मिला दे रहा हूँ, और इधर वाला वाइट वाला है वो जिसमें हमने यखनी मिलाई थी। सो चलिए खाते हैं, इसको निकालते हैं। पहले तो कुछ पीसेस निकाल लेते हैं। ये देखिए गर्मा गर्म, महक मस्त है खाने में। अब देखते हैं कैसा होता है। तो दिस इज आर लखनवी मटन बिरयानी। इधरस में मिलेगी, टुंडे में मिलेगी, लल्ला में भी मिलेगी, लेकिन कैसी बनती है। तीखा नहीं हुआ है लेकिन अंकल के लिए सही होगा, ताराकांत को तीखा नहीं लगेगा। तुम्हें मिर्ची चाहिए या कुछ अचार तो बताओ। ठीक है, नमक सही है, एकदम सही। जैसे वो खत्म हो रहा है नीचे का, और घी बढ़िया लग रहा है। दीपिका भी कह रही है कि जो नीचे का है वो बहुत मस्त है, बहुत टेस्टी है नीचे वाला। नीचे वाला नीचे घी सारा पहुंच गया, ये हम लोगों को भी नहीं आइडिया था नीचे घी निकालना। ये लग लो ना पीस, देखो बहुत सारा है। हाँ, और यहाँ नीचे से कुरेद के निकालो, बहुत सारा घी है। तो मटन बिरयानी आज का तो बहुत ही हिट रहा। मैंने वैसे ज़्यादा नहीं खाया, मतलब राइस पोर्शन थोड़ा ज़्यादा खाया, एक पीस बस मटन का खाया, और अच्छा लगा क्योंकि
ज़्यादा मसाले नहीं थे, बहुत कम मसाले में बना था और तीखा बहुत ही कम था, तो मेरे और पापा के लिए तो बहुत ही ऐप था। और जो लोग हैदराबादी बिरयानी खाने वाले हैं, जिनको हैदराबादी बिरयानी पसंद है, तो उनको शायद से थोड़ा सा ब्लेंड टाइप का लगेगा या थोड़ा सा हल्का लगेगा, लेकिन लखनवी और अवधी बिरयानी ऐसे ही होता है, पेट बहुत ही मतलब शांत भी रहेगा। और जो रायता उसका बना था, एकदम मेरे को टुंडे कबाबी की याद आ गई, क्योंकि एकदम सेम टू सेम वैसे ही बना था जैसे टुंडे कबाब में बनता है। तो एनीवेज, मैं बहुत दिन से इद्रिस की बिरयानी क्रेव कर रही थी, तो आज मनीष ने खिला दिया। और मनीष अभी इतना बना के अभी पूरा लेट गए हैं, बोले कि तुम वीडियो एंड कर दो, मैं नहीं, मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो मनीष तो सो गए, क्योंकि बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में, क्योंकि इतना लार्ज क्वांटिटी में बना था, 3.5 किलो का मटन था और मटन पीसेस अभी गायब, अभी बस राइस रह गए, लेकिन मटन पीसेस गायब। सबने बहुत अच्छे से खाया। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मटन बिरयानी लखनऊ वाला स्पेशल। सिंपल है प्रिपरेशन, ज़्यादा मेहनत नहीं है, और आप भी बना के देखिएगा और कमेंट्स में बताइए कि कैसा लगा आपको बना के। और अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय। मटन खाया? मटन खा क्या चाहिए आपको बताओ? What do you want, पिक्सी? What do you want? क्या बताओ तब क्या चाहिए? क्या चाहिए?